हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और हम ब्रदर्स ब्लॉग की ओर से आप सब हमको है रिपब्लिक डे, तो आज जाने वाले हैं कॉलेज। चलिए कॉलेज में दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारा व्यूज़। तो चलिए चलते हैं, सीधे दोस्तों से मिलाते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये कौन है, पहचानिए। 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी है, देखिए माँ लगी हुई है सुबह से, देखिए मिक्स वेज बनाने में, देखिए ठंडा से कैसे पहने हुई है। तो चलिए चलते हैं सीधे क्लास की ओर। और उधर में पापा लोग देखिए रोड कितना सुनसान पड़ी है, क्योंकि अभी 7 बजा है, तो 7 बजे मेरे को जाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा दूर है तो जल्दी जाना पड़ता है। तो देखिए और कुछ कुछ बच्चे दिख रहे हैं। आज तो 26 जनवरी है, तो सब वही अपना अपना स्कूल में झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग तो बस इंजॉय करने के लिए जाएंगे कचहरी मैदान की ओर। तो गाइस आज ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, जितना ज़्यादा मौसम घटते जा रहा है तो उतना ही ठंडा बहुत तेज़ बढ़ा दिया है। इतना मोटा ग्लव्स पहने हैं पर भी इतना ठंडा लग रहा है ना, क्या बोले यार, ज़्यादा ही। और बाकी दिन भी इतना टाइम में क्लास जाते हैं 7-7:30 बजे, लेकिन इतना ठंडा नहीं लगता जितना आज लग रहा है। और गाइस हो सकता है आप लोगों को उतना आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा कुछ देरी, क्योंकि इतना ठंडा है ना, पूरा फेस को ढक लिए है, खाली आँख जगह को कवर नहीं किए हैं, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा आवाज़ आप लोगों को डिले आ रहा होगा, बट मैनेज कर लीजिएगा कुछ देरी। बस इतना ठंडा है ना, ठंडा से सर्दी सर्दी सा लग रहा है, इतना भयानक ठंडा, बाप रे क्या ही बोले। रोड पहुंच चुके हैं और ये रिंग रोड इस रोड का है जो आप लोग बहुत से लोग आए हैं तो दुर्गा रोड बोल सकते हैं, लोहरदगा इधर से जाती है, तो इसी रोड पे सीधे रिंग रोड होकर जाना है, सीधे मेरे को जाना है कीपा और माजी रोड, तो इससे भी जाता है पर उधर थोड़ा ट्रैफिक मिलेगी आज तो बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से रिंग रोड को ही पकड़े हैं। देखिए कैसा धूप कर दिया है, बहुत ठंडा लग रहा है, यहाँ तक मेरे को शतरंजी पहुँचने में मेरे को आधा घंटा लग गया, क्योंकि इतना ठंड था ना आपकी मतलब एकदम धीरे धीरे आना पड़ा। और अभी तो थोड़ा धूप निकल गया है, इधर तो थोड़ा गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा फिर में जाएंगे तो पहले फ्यूल अप करा लेंगे, क्योंकि आज फुल टैंक भी नहीं किए हैं, तो फिर फ्यूल को भरा लेते हैं, क्योंकि आज मैंने खूटी में भी नहीं भराया, तो पहले यहाँ भरा लेते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि नहीं भराएंगे तो फिर पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि और मेरे को यहाँ से लगभग और वही 40-50 किलोमीटर जाना है, तो भर लेते हैं सेफ्टी के लिए, इतना में भी पहुँचने का पहुँच जाएगा, बट आने समय थोड़ा दिक्कत होगा, तो फिलअप करा लेते हैं उसके बाद सीधे चलेंगे कॉलेज की ओर। तो गाइस रिंग रोड में जब गाड़ी हो और हेलमेट में है, जब मास्क हो स्प्लेंडर में, तो मतलब रिंग रोड में नॉर्मल स्पीड जाते ही नहीं है, और ज़्यादा ही स्पीड में जाना पड़ता है, क्योंकि स्लो स्पीड में अच्छा नहीं लगता है, मतलब हर स्पीड में ही चले जाता है, तो उस कारण से स्पीड मतलब 90 पहुँच जाता है नॉर्मल ही, मतलब बहुत कम ही रेयर ही मतलब 40-50 की स्पीड में चलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मतलब रिंग रोड में पूरा खुला रहता है, तो उसके वजह से फुल स्पीड में जाते हैं, तो फ्यूल अप कराते हैं उसके बाद निकलते हैं कॉलेज की ओर। तो चलिए बिना देरी करते हुए फ्यूल अप कराते हैं। तीन सौ का दीजिएगा। तो गाइस फ्यूल अप करा चुके हैं, अब चलते हैं सीधे। काफ़ी समय के बाद में घुस पड़े हैं, और देखिए मेरा कॉलेज का बस भी जा रही है, तो चलिए चलते हैं इसके बाद सीधे कॉलेज में दिखाते हैं, अभी दोस्तों से भी मिलाते हैं। तो गाइस देखिए सुबह से लगा हुआ है, हॉस्टल में रहता है, तो 6 बजे से आना पड़ा है, देखिए ऐसा सजा रहा है पूरा, और इधर में भी भाई लोग है, देखिए इधर में है, आप कुछ ऊपर से भी व्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ है देखिए इंडिया का मैप है, और कैसा इस जगह में हम लोग सजा रहे हैं देखिए, और क्योंकि मैं तो ऊपर नहीं गया था बट दोस्त लोग गए थे, तो थैंक यू सलीक भाई क्लिप लेने के लिए,
तो देख सकते हैं कैसा स्टूडेंट्स लोग इधर उधर में ठंडा की वजह से भी इधर उधर में घूम चल रहे हैं। और स्पीकर सब देखिए भाई लोग कैसा लगल है सबको, ये लोग भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए ताहिर साहब, हाँ यदि आप फिर अरे बाबा आज इधर अभी पूरा फोटो सेशन चल रहा है। और ये देखिए अगस्तुस भाई पूरा जोश में है। देखिए तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत मजा आया, सुबह ही से 6 बजे से लगे हुए थे, फाइनली अभी खत्म हो रहा है। तो गाइस प्रोग्राम खत्म हो चुका है और ये लोग फोटो खिंचाने के लिए बहुत हो रहा है, तो हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब चलते हैं। तो ये सलीक भाई देखिए काफी भयानक मालिक है ये। लास्ट में ये मिला है, देखिए सब लेके जा रहे हैं। अब नहीं मिला है, अब जा रहे हैं। सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो चलिए अब चलते हैं घर में और मिलाते हैं आप लोगों को। ब्रदर्स ब्लॉग के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स लोग हैं, सारे लोगों से आप लोगों को मिलाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे घर की ओर और मिलते हैं अब घर में। लोकल में प्लानिंग बनाते हैं कुछ कुछ, क्योंकि आज है 26 जनवरी, तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं बाहर में कहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे। सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो भूख लगा, तो बिरयानी शॉप आए हैं, देख सकते आलम चिकन बिरयानी के पास आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ रिंग रोड पास है, बढ़िया। खाना पीना हो चुका है, सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो इसलिए बिरयानी खाने के लिए घुसे, यहाँ का थोड़ा अच्छा लगता है, सिमलिया चौक, तो वही खाए, काफ़ी मज़ा आ गया। उसका पेट फुल हो चुका है, अब सीधे डायरेक्ट चलते हैं खूटी की ओर। तो घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं, और मतलब 1.5 घंटा लगता है चलाने में, तो उस वजह से फेस फेस अजीब सा लग रहा है। तो चलिए अब ड्रेस वगैरह सबको खोलते हैं और थोड़ा प्लानिंग बनाए हैं, तो चलेंगे कुछ देर बाद। 20 minutes later सीधे मिलते हैं दोस्त लोगों से और आई थिंक प्लानिंग बनाए हैं पचघाक तरफ का, तो दिखाते हैं उस जगह का फिर से। बहुत वेट कराता है ये, देखिए फिर अभी भी मजनू भाई लगा है, देखिए फोन में और कैसा आ रहा है देखिए। हेलो गाइस, बहुत दिन बाद कैमरा में फोकस किए हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? तो गाइस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सभी को जय हिंद। तो गाइस इतना सारा सामान लेके देखिए जा रहे हैं ये यहाँ का। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गाइस इतने सारा सामान लेके हम लोग जा रहे हैं अभी पार्टी करने, पार्टी करके बहुत कोई तो चल जा रहे हैं अब, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं बहुत पार्टी करेंगे गाइस। इतना गड्ढा है ना कि क्या बोले, छेक दिया है, लाल फीता उतर लगा दिया है, देखिए बहुत गड्ढा है।
तो गाइस आते साथ शुरू हो गया है, देखिए गिरेगा नहीं चकना। इधर में बियर, स्प्राइट वाला बियर, देखिए इतना झाल एक फांक में ही। इधर रे डाल, वो तो उधर डाल रहा है। अच्छा तो गाइस मेरा बियर गिर गया, देखिए इसका आवाज सुन के। और इधर गिर गया देखिए गाइस, हम पादे थे इधर उड़ गया। देखिए इसका पाद में इतना ताकत है ना कि गिरा दिया देखिए। तो आप पूरा घूम फिर लिए और खाने के लिए आए हैं, देखिए क्या खाया ना, क्या पत्ता भूला हुआ, अंडा चाप, अंडा चाप खाना है। अंडा चाप नहीं, आलू पराठा, आलू पराठा, छिलका रोटी। तो हम लोग खाएंगे छिलका रोटी का बीच में आलू, वो क्या चीज है आप लोगों को दिखाएंगे? छिलका आलू, छिलका आलू गाइस, डोसा नॉट छिलका आलू ओनली डोसा। लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, अच्छा लग रहा है गाइस। दीजिए आप भी खाइए। आ गया आ गया, अभी खाएंगे गाइस, मजा आएगा। बड़ा समोसा आलू वाला, आलू अंदर में डालेंगे और ये है कांटा चम्मच। ऑपरेशन लग रहा है, बेसन लग रहा है, बेसन लगा लेना। तो गाइस इस जगह में अच्छा से नहीं बनाता है, पूरा पूरा अरवा का नहीं बनाता है, बेसन लगाया जाता है, नाम के लिए लगाता है उसको। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी एंजॉय किए और घर आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए और हमारे चैनल में मेंबरशिप जुड़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अगेन, हैप्पी रिपब्लिक डे।